नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे BW कैंपस के डेली करंट अफेयर सेक्शन में। डेट है 18 अक्टूबर 2019। वीडियो से जुड़े PDF को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाएं और वहां से आप आसानी से वीडियो का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी मैचेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट मिथाली राज हैज ऑन एन इंडियन वुमेन टीम्स कैप्टन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मिथाली राज ने भारतीय महिला टीम की कप्तान के रूप में कितने मैच जीते हैं? ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी है 200 और ऑप्शन डी है 250। इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए 100। मिथाली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज 3-0 से जीतने के बाद यह उपलब्धि हासिल की है। मिथाली राज ने 167 मैचों में कप्तानी की है। वह इंग्लैंड की चार्टेल एडवर्ड से के बाद महिला क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली केवल दूसरी महिला कप्तान है। आपको बता दें कि मिथाली राज का जन्म 3 दिसंबर 1982 को चेन्नई के तमिलनाडु में हुआ था। मिथाली राज महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे अधिक रन बनाने वाली और ODI में 6000 निशाने को पार करने वाली एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। आपको बता दें कि इनको बहुत ढेर सारे अवार्ड भी मिले हैं, जैसे कि अर्जुन अवार्ड 2003 में दिया गया, पद्मश्री अवार्ड 2015 में दिया गया, यूथ स्पोर्ट्स आइकन एक्सेलेंस अवार्ड 2017 में दिया गया, ओग स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2017 में ये इनको अवार्ड दिया गया और BCCI के 100 वेमेन लिस्ट में 2017 में इनको शामिल किया गया। चलिए बढ़ते हैं मैप की तरफ। बात हुई है तमिलनाडु की, जिसका कैपिटल है चेन्नई। चीफ मिनिस्टर हैं DP K पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारीलाल पुरोहित। लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं। फोक डांस यहाँ का भारतनाट्यम है और जहाँ पे नेशनल पार्क है वह है इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेवल बाइलिटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश इज बीइंग हेल्ड एट। भारत और बांग्लादेश के बीच नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन ए है अंडमान सी, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी है बबीना मिलिट्री स्टेशन, ऑप्शन डी है बे ऑफ बंगाल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी यानी विशाखापट्टनम। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास 1983 से शुरू किया गया और यह 2001 में वरुण के रूप में मनाया गया। यह एक्सरसाइज दो नौसेना के बीच अंतर को विकसित करने और संयुक्त ऑपरेशन संचालन के लिए एक दूसरे की सर्वोत्तम प्रथाओं को सीखने के लिए आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बात आई है विशाखापट्टनम की, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का जो कैपिटल है वो है अमरावती। यहाँ के जो CM है वो है YS जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें हैं और विधानसभा में 175 सीटें हैं। जो लोक नृत्य यहाँ का है वो है कुचिपुड़ी और जो नेशनल पार्क है श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन ए है 94, ऑप्शन बी है 99, ऑप्शन सी है 102 और ऑप्शन डी है 105। जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी 102। 117 देशों के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पर स्थित है। इसका उद्देश्य दुनिया को खाद्य संकट से बचाना और मौजूदा खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार करना है। यह दुनिया भर की विभिन्न सरकारों द्वारा जारी नीतियों के बारे में जानने में मदद करती है। आपको बता दें कि वैश्विक भूख सूचकांक यानी GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक उपकरण है जो क्षेत्र और देश के आधार पर निकाला जाता है। इसकी गणना प्रतिवर्ष की जाती है और इसके परिणाम प्रत्येक वर्ष अक्टूबर में जारी किया जाता है। पहली बार ये जो 2006 में बनाया गया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। द 2019 वर्ल्ड आर्टिस्टिक जिमनास्टिक चैंपियनशिप वॉज ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री। 2019 विश्व कलात्मक जिमनास्टिक चैंपियनशिप
किस देश में आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है स्पेन, ऑप्शन सी है जर्मनी और ऑप्शन डी है नीदरलैंड। जिसका सही आंसर है वह ऑप्शन सी यानी जर्मनी। 2019 विश्व कलात्मक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप जर्मनी के स्टटगार्ट में 4 अक्टूबर से 19 अक्टूबर 2019 तक आयोजित की गई थी। आपको बता देते हैं कि कलात्मक जिम्नास्टिक विश्व चैंपियन का पहला संस्करण 2003 में आयोजित किया गया था। विशेष रूप से पुरुष जिम्नास्ट के लिए यह शुरू किया गया था। टूर्नामेंट के 10वें संस्करण के बाद 1934 में महिलाओं को भी इस इवेंट में शामिल कर लिया गया। बात हुई है जर्मनी की, तो देख पा रहे होंगे मैप में जर्मनी का मैप, जिसका कैपिटल है बर्लिन, करेंसी है यूरो और जो वहाँ के प्रेसिडेंट है वो है फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मेनी पीसीओस टू बी एस्टेब्लिश्ड इन द कश्मीर रीजन टू इम्प्रूव फोन कनेक्टिविटी इन एरिया। क्षेत्र में फोन कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कश्मीर क्षेत्र में कुल कितने पीसीओ स्थापित किए जाने हैं? इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 50, ऑप्शन सी 60 और ऑप्शन डी 70। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 50। जम्मू और कश्मीर सरकार ने कश्मीर क्षेत्र में मुफ्त फोन सुविधा प्रदान करने के लिए 50 पीसीओ स्थापित करने की घोषणा की है। ये पीसीओ बीएसएनएल द्वारा स्थापित किए जाएंगे और लोग बिना किसी शुल्क के इन निर्दिष्ट स्थानों पर बात कर सकेंगे। बात आई है कश्मीर की, तो देख रहे होंगे आप कश्मीर का जो नया मैप है वो कुछ इस प्रकार है। ये एक साइड जम्मू एंड कश्मीर और दूसरे साइड लद्दाख वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच स्कीम वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय FSSAI ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड फूड डे। हाल में ही विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर FSSAI द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई? ऑप्शन ए है फूड क्वालिटी स्कीम, ऑप्शन बी है हेल्थ एंड फूड रिलेशन स्कीम, ऑप्शन सी है फूड सप्लाई ग्राम और ऑप्शन डी है फूड सेफ्टी मित्र। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी फूड सेफ्टी मित्र, जिसको हिंदी में बोलते हैं खाद्य सुरक्षा मित्र। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने जमीनी स्तर पर खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिक तंत्र के साथ प्रेरित व्यक्तियों को संलग्न करने के लिए खाद्य सुरक्षा मित्र योजना शुरू की। इन्होंने ईट राइट जैकेट और ईट राइट झोला भी लॉन्च किया। आपको बता दें कि FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। FSSAI की स्थापना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत की गई थी, जो खाद्य सुरक्षा विनियमन से सम्मिलित एक कानून है। आप देख पा रहे होंगे FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका फाउंडेशन अगस्त 2011 में हुआ था। किस सेक्टर में काम करती है? तो ये फूड सेक्टर में काम करती है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और जिसका चेयरपर्सन है रीटा टाटिया। जो पेरेंट एजेंसी है वो है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ जो मिनिस्टर हैं इस समय के वो हैं हर्षवर्धन। बढ़ते हैं मैप की तरफ। बात है ये दिल्ली की, तो देख पा रहे होंगे दिल्ली को मैप में एक यूनियन टेरिटरी है जो 1911 में स्टेब्लिश्ड हुई थी और 1931 में इनॉग्रेट हुई थी। इसके सीएम है अरविंद केजरीवाल और गवर्नर है अनिल बैजल जी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन फार्मास्यूटिकल अलायंस। हाल में ही भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है जतिन प्रसाद, ऑप्शन बी है विवेक तोमर, ऑप्शन सी है सतीश रेड्डी और ऑप्शन डी है अर्जुन पटेल। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी सतीश रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के अध्यक्ष के सतीश रेड्डी को 2019-21 के लिए भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। पेनासिया बायोटिक लिमिटेड के एमडी के रूप में ये जारी रहेंगे। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जो ये सतीश रेड्डी जी की तस्वीर है। आपको बता दें कि भारतीय फार्मास्यूटिकल अलायंस अनुसंधान किस पर आधारित है? ये एक राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल के जो कंपनियां हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है।
इसका मिशन क्या है कि दुनिया भर के लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना और सुलभ और सस्ती बनाना इस कंपनी का उद्देश्य है। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच स्टेट इज द राष्ट्रीय संस्कृत फेस्टिवल ऑर्गेनाइज। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है वेस्ट बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 14 अक्टूबर 2019 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित किया जाना है। यह एक भारत सर्वश्रेष्ठ भारत पहल का हिस्सा है जो 14 अक्टूबर 2019 और 21 अक्टूबर 2019 के बीच आयोजित किया जा रहा है। यह उत्सव 2015 में शुरू हुआ था। यह भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत को दर्शाता है। इसमें शास्त्रीय और समकालीन हस्तशिल्प, चित्रकला, लोककला, मूर्तिकला आदि सम्मिलित है। यह 22 राज्यों के लोक कलाओं के रोमांच को समाहित करता है और उभरती हुई कला का अनुभव करने के लिए ये जो सबसे अच्छा मौका प्रदान करता है। बात आई है मध्य प्रदेश की, तो बढ़ते हैं इसके मैप की तरफ। देख पा रहे होंगे मध्य प्रदेश जो लाल कलर में दर्शाया गया है मैप में, इसका कैपिटल है भोपाल, सीएम है कमलनाथ, गवर्नर है लालजी टंडन, लोकसभा में 29 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 230 सीटें। जो फोक डांस है यहाँ का वो है गिडा डांस। जो नेशनल पार्क है वो है माधव नेशनल पार्क। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू लॉ सेक्रेटरी। हाल में ही नए कानून सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है अनूप कुमार मेंड्रिटा, ऑप्शन बी है अभिजीत बनर्जी, ऑप्शन सी है देव पटेल शाह, ऑप्शन डी है विवेक गोयल। जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, अनूप कुमार मेंड्रिटा। सेवा करने वाले जिला और सत्र न्यायाधीश अनूप कुमार मेंड्रिटा को केंद्रीय कानून सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें अनुबंध के आधार पर 30 मार्च 2023 तक नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अनूप कुमार मेंड्रिटा जो इसके नए कानून सचिव बनाए गए हैं, ये जो कानून सचिव का जो पद है वो कानून और न्याय मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत ये आता है। इसमें 3 विभाग हैं, विधान विभाग, कानूनी मंत्रालयों के विभाग और न्याय विभाग। मंत्रालय का अध्यक्ष भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कैबिनेट रैंक का मंत्री होता है। आपको बता दें कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच इंडियन आर्म फोर्सेस रिसेंटली ऑर्गेनाइज द संगम यूथ फेस्टिवल। हाल में ही किस भारतीय सशस्त्र सेना ने संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन ए है इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी है इंडियन मिलिट्री, ऑप्शन सी है इंडियन नेवी और ऑप्शन डी है पैरामिलिट्री फोर्स। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडियन मिलिट्री यानी भारतीय सेना। भारतीय सेना ने जम्मू और कश्मीर के भद्रवाह में संगम युवा महोत्सव का आयोजन किया। जम्मू और कश्मीर में आयोजित संगम युवा महोत्सव 23 विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लगभग 1500 छात्रों ने हिस्सा लिया। आपको बता दें कि पहली बार जो संगम यूथ फेस्टिवल यानी संगम युवा महोत्सव जो शुरू किया गया था वो 2014 में शुरू किया गया और इस साल 2019 में जो हुआ उसका थीम आपको याद करना है। अक्सर ये पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में, तो जो इसका थीम था वो था लेट्स बिल्ड अवर नेशन। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल BW कैंपस से। नेवर गिव अप।